छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने का दावा करती रहती है, लेकिन हर बार नक्सली हमला बोलकर सरकार के दावों को खोखला साबित कर देते हैं। पिछले दिनों बड़े हमले की साजिश नाकाम होने के बाद आज एक बार फिर नक्सलियों ने पुलिस को निशाना बनाया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 11 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे डोंगर थाना क्षेत्र ईरपानार और गोमतेर गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें 4 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों अलग अलग क्षेत्रों में नक्सलियों ने पुलिस जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। 6 जनवरी को भी सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से 3 शक्तिशाली IED बरामद करते हुए नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया था। इससे पहले बीजापुर में हुई मुठभेड़ में CRPF जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 2 को मार गिराया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।